नवी मुंबईत सर्वत्र धुराचे लोट दिसत आहेत. सध्या थंडी संपून उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. याचाच का काही परिणाम आहे का असा संशय सुरुवातीला येत होता, मात्र त्याचे नेमके कारण समजले नव्हते. याबाबत नवी मुंबई रहिवाशांनाही प्रश्न पडला होता. धुवा हो गया बोले मक्की बिक्की को भी अचानक हो गया, डेढ़ घंटा हो गया, एकदम दिखने में नहीं आया, बहुत तकलीफ हुआ. कैसे गाड़ी चलाई गए, आग लग गई या कुछ ऐसा लग गया, और सबको सब धुआं धुआं किधर कुछ आग लग गई इसका वही सोचा. और जिधर भी देखिएगा उधर ऐसा ही है, लेकिन सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना धुआं हुआ. खरं जगह म्हणले 4,500 ते 5,000 दरम्यान इतका म्हणजे दूर झाला असं वाटला, का कुठे मोठा आग लागलाय त्या हिशोबाने एकदम दूर झाला. त्याच्यावर लय प्रॉब्लेम झाले, म्हणजे जर गाडी चालवताना समोर एकदम दूर दूर दिसत होतं, काही दिसत नव्हतं. आणि दुसरं हे जे त्याचं म्हणजे बरंच प्रभाव पडेल ना लोकांवर, जे आजारी लोक आहेत. देनवा डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की वजह से नवी मुंबई में वायु प्रदूषण की मामला सामने आ रहा है, जिससे लोगों को और अन्य जीव जंतुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है और इससे कई प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती है, जिससे ज़्यादा डर है हार्ट अटैक या दमा के मरीजों की. और यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 3 दिन बाद वहाँ पर कुछ काबू पाया गया, तो देखते हैं आगे क्या होता है. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा के साथ पंकज वेनवंशी की रिपोर्ट, नवी मुंबई.